गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आजमगढ़। तो गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे ओप्पो रिनो 2 या फोन में स्मार्ट कॉल कैसे करें। गाइस अगर आप भी अपने फोन में स्मार्ट कॉल सेटिंग को ऑन करके यूज करना चाहते हो, मैं यहां से गाइस बिल्कुल आपको सेटिंग करके बताएंगे। गाइस आप अपने फोन की बिल्कुल सेटिंग से ही स्मार्ट कॉल सेटिंग गाइस ऑन करके यहाँ पे गाइस यूज कर सकते हैं। एंड गाइस स्मार्ट कॉल सेटिंग क्या है, क्या क्या फीचर उसमें दिया गया है, किसको स्मार्ट कॉल लोग बोलते हैं, तो कैसे आप अपने फोन में इसको इनेबल करेंगे, गाइस कैसे यूज करेंगे, मैं यहाँ से पूरी सेटिंग करके आपको बताएंगे। तो गाइस तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस हम चलते हैं कंटिन्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको देखिए स्मार्ट कॉल सेटिंग को ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग गाइस ओपन करेंगे और यहां पे गाइस आपको स्क्रॉल डाउन करके गाइस नीचे जाना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे आपको मिलेगा कनमेस टूल्स का ऑप्शन, यहां पर गाइस क्लिक करना है। यहां पर एक्चुअली गाइस जब आप क्लिक करेंगे आपको मिलेगा ग्रेटेस्ट एंड मोशन का ऑप्शन, यहां गाइस क्लिक करना है। यहां पर गाइस जब आप क्लिक करते हैं और यहां पे कुछ आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको देखिए नीचे चार ऑप्शन मिलेगा। तो यही नीचे जो चार ऑप्शन अभी हमारे फोन में ऑफ है, तो गाइस यही स्मार्ट कॉल की सेटिंग, हमें यहां से बताते हैं कैसे क्या चीज यूज करना है। आपको मिलेगा राइज टू विक, इसको गाइस इनेबल कर लीजिएगा। आपको मिलेगा ऑटो ईयर पिकअप कॉल्स, ठीक है। इसका मतलब गाइस कि अगर आपके पास कोई भी कॉल आती है, आप कॉल को रिसीव करने के लिए अपने फोन का डिस्प्ले पे गाइस क्लिक करके तब कॉल को रिसीव करते हो स्वाइप अप करके, ठीक है। अगर आप इस सेटिंग को गाइस अपने फोन में इनेबल कर देंगे, अगर आपके पास कोई भी कॉल आएगी आप अपने फोन को अपने कॉल के पास ले जाएंगे, गाइस कॉल ऑटोमेटिक आपकी रिसीव हो जाएगी, तो आप इसको ऑन कर लीजिएगा। और यहाँ पे मिलेगा ऑटो स्विच टू ईयर रिसीवर, जैसे गाइस अगर आपके पास कोई भी कॉल आती है फिर अपने साइड से गाइस कॉल करते हैं, कॉल रिसीव होता है। और अगर आप हैंड फ्री करके गाइस बात करते हैं, अगर आपके पास में गाइस कोई आ जाता है, आप हैंड फ्री को हटाने के लिए अपने फोन का डिस्प्ले पे गाइस क्लिक करके तब हैंड फ्री हटाते हो या फिर गाइस कॉल को कट कर देते हो, ठीक है। ऐसा गाइस कुछ नहीं करना है, आप इस सेटिंग को एनेबल करेंगे। अगर आप किसी भी हैंड फ्री पे बात करते रहेंगे, अगर आपके पास में कोई भी आता है अपने फोन को अपने कान के पास ले जाएंगे, गाइस कॉल आपकी ऑटोमेटिक हैंड फ्री से हट जाएगी, तो आप इसको गाइस ऑन कर लीजिएगा। और यहाँ आपको मिलेगा फिलिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल, ठीक है। इसका मतलब गाइस क्या है, फिलिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल, अगर आपके पास कोई भी कॉल आती है आप कॉल को म्यूट करने के लिए अपने फोन के पावर बटन से गाइस कॉल को म्यूट करते हो या फिर गाइस कॉल को कट कर देते हो। ऐसा गाइस कुछ नहीं आपको करना है, सेटिंग को गाइस इनेबल करेंगे। अगर आपके पास कोई भी कॉल आती है कॉल को म्यूट करना, सिर्फ अपने फोन को जो कि सीधे नहीं उल्टा करके रख देना, डिस्प्ले के साइज जो है उसको गाइस नीचे करना हो या फिर कहीं पर रख देंगे गाइस कॉल बिल्कुल गाइस म्यूट हो जाएगी और आपको गाइस अपने फोन के डिस्प्ले पर स्वाइप अप करके कॉल को कट या फिर गाइस पावर बटन से कॉल को म्यूट बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। तो गाइस ये है स्मार्ट कॉल की सेटिंग, आप अपने फोन में इस सेटिंग को गाइस ऑन करके गाइस बिल्कुल यूज कर सकते हैं। आई होप तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।